सब्सक्राइब टैक टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन पटन टैक टीवी यू के टॉक शो लंडन डायलॉग एंड एवरी ट्यूजडे नाइट सेवन पी एम यू के टाइम यू के टॉक शो में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर आने वाली मुमकिना तब्दीलियों के हवाले से यानी सियासी मंजर नामे के बदलने या ना बदलने के हवाले से पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हाल ही में फिर एक बार एक्टिव हो गए उनकी खामोशी रही बहुत अरसे तक जिसके हवाले से उनका ये मौक़ है कि उनको जेल में रखा गया था उन पर बहुत सारी पाबंदियाँ थीं और उनकी सेहत ख़राब थी इसलिए वो खुलकर बातचीत नहीं कर रहे थे लेकिन जिस तरह वो अब इंग्लैंड में बैठ कर दोबारा अमली सियासत में फाल हुए हैं तो उससे लगता है कि वो अपने मोहरे बहुत ही एहतियात से खेलना शुरू कर चुके हैं सदर जब एक डिक्टेटर को आइन शेखी के जुर्म में पहली बार अदालत के कटरे में लाया गया तो आपने देखा क्या हुआ क्या हुआ मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जिस तरह हर मार्शल को अदालतों ने जायज करार दिया डिक्टेटर्स को आयन से खलवाड़ करने का इख्तियार दिया तीन तीन सालों के लिए दिया उसी तरह दो बार आयन तोड़ने वाले को बरियत का सर्टिफिकेट भी अदालतों ही ने दिया उसे एक दिन तो क्या एक घंटे के लिए भी जेल में ना डाला जा सका पूरी दास्तान है मेरे पास जो किसी वक्त सुनाऊंगा उन्होंने चंद हफ्ते पहले अपनी एक धुआंधार तकरीर में पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान की जमहूरियत की गाड़ी को डी रेल करने की जिम्मेदारी थोपी पाकिस्तान में यह कोई अनहोनी बात नहीं कि किसी डिक्टेटर के बड़े से बड़े जुर्म पर भी कोई कार्रवाई ना हो ना हो और अगर वो भी जाए तो कोई उसे छू भी ना सके और अगर कोई फैसला आ भी जाए तो सिर्फ सजा ही नहीं अदालत को भी हवा में उड़ा दिया जाए लेकिन आखिर कब तक कब तक सूरत हाल बड़ी गंभीर है और जिस तरह की बातें मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं वो लगता है कि उनके पीछे पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट के कुछ ऐसे ग्रो ज़रूर शामिल हैं और हती के यहाँ तक एहसास होता है कि शायद पाकिस्तानी इस्टैब्लिशमेंट के वो ग्रो भी नवाज़ शरीफ के अब ख़िलाफ़ नहीं जा रहे जो इमरान ख़ान को इकतदार में लाए थे उसकी एक बड़ी वजह जो है वो इमरान ख़ान का किसी भी हवाले से डिलीवर ना कर सकना है और दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट की ये नज़र आती है कि वो इमरान खान को एग्ज़ट स्ट्रेटजी देना चाह रहे हैं एग्जिट ताकि उनका हो जाए और इनकी भी फेस सेविंग हो जाए इमरान खान की और ये फिर किसी वक्त दोबारा इस्तेमाल किए जा सके देखिए ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है ये बहुत एक ख़तरनाक पाकिस्तान की गेम खेल के ख़िलाफ़ गेम खेल रहा है यही अल्ताफ हुसैन ने खेली थी इनके पीछे 100 परसेंट मैं आपको वाजे कहता हूं कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है इसमें किसका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तानी फौज कमजोर हो हु? हमारे दुश्मनों का इसी बिल्ली चूहे के खेल की वजह से पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तिहत्तर साल जिंदगी में अपनी पाँच साल की मुद्दत को पूरा नहीं कर सका ये बात नवाज शरीफ ने अपनी उस धुआंदार तकरीर में की और ये इस बात की निशानदही है कि इमरान खान को हटाने की तैयारियां हो रही है और नवाज़ शरीफ को या किसी नए सेटअप को लाने की बातचीत हो रही है और ये बातचीत यकीनी तौर पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के ऑन बोर्ड हुए बगैर मुमकिन नहीं है इसके बावजूद नवाज शरीफ ने चंद रोज पहले एक ट्वीट देते हुए कहा कि पाकिस्तान आर्मी के हवाले से पाकिस्तान के फाउंडर मिस्टर मोहम्मद अली जना ने 1948 में कोयटा में वाजे तौर पर कह दिया था कि पाकिस्तान आर्मी का पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में कोई अमल दखल नहीं होगा नवाज शरीफ की इस ट्वीट में जब ये बात सामने आई तो उन्होंने इसके साथ साथ 12 अक्टूबर 1999 के कु का मंज़रनामा भी दिखाया और अपनी उसी धुआंदार तकरीर में उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी आंख वो मंज़र नहीं बोलती कि किस तरह नवाज़ शरीफ को यानि उनको इकदार से निकाला गया था यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वाकई नवाज़ शरीफ अपने इस पुराने बयानी को जो नए अंदाज़ के साथ वो पेश कर रहे हैं के साथ सिंसियर हैं और क्या वाकई ही वो चाहते हैं कि उनकी बातों के मुताबिक मुल्क की नई सियासी सूरत हाल बने या फिर वो भी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों एक बार दोबारा इस्तेमाल हो रहे हैं इमरान ख़ान को एग्ज़ट स्ट्रेटजी फ्राहम करने के हवाले से और अपने और अपनी जमात के इतदार को एक बार फिर पक्का करने के हवाले से नवाज़ शरीफ जो भी कदम उठाएं उससे उनकी जमात को कितना फ़ायदा होता है या पाकिस्तान की सियासत में बिल्ली चूहे के खेल को आगे जाने में कितनी मदद मिलती है सवाल ये भी है कि क्या अब पाकिस्तान के पास इतना वक्त है या इतनी मोहलत है कि इस खेल को बहुत लंबे अरसे तक खेला जा सके नवाज़ शरीफ की उस दुआदार तकरीर में उनकी कुछ बातों को काफ़ी सराहा गया ख़ास तौर पर उनका ये बयानिया कि एक ज़माने में स्टेट के अंदर स्टेट होती थी अब स्टेट के ऊपर स्टेट है जो बातें नवाज़ शरीफ कर रहे हैं इस्टेबलिशमेंट को उनकी हदों में लाने की उन पर अमल कर सके अगर ना कर पाए तो ये सिर्फ़ पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए आखिरी मौका नहीं होगा बल्कि शायद पाकिस्तान के लिए आखिरी मौक़ा होगा यू के टॉक शो में मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर लाहौर से मरूफ़ जर्नलिस्ट जनाब सजाद पीरज़ादा साहब जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान की जो इस वक्त की एक बहुत ही वाइब्रेंट और हलचल वाली जो पॉलिटिक्स है उस पर बातचीत करेंगे जनाब सजाद पीरज़ादा साहब क्या हाल है आपके जी आदाब हजूर खैरियत से बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया तो ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब ने तो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का जो एक बयानिया है जो नेरेटिव है वो एक बार फिर गरमा दिया है और इस सारी सूरत हाल में आप कैसे देखते हैं कि जबकि ऐसी ही बातें नवाज शरीफ पहले भी कहते थे लेकिन जब इकतदार में आते थे तो अपने बयानिया के मुताबिक मंजरनामा चेंज नहीं कर पाते थे आप लाहौर में बैठे हुए सूरत्याल को कैसे देखते हैं बिल्कुल आपने ये एक बिल्कुल ठीक नुकता उठाया कि जब वो पावर में आते हैं तो जो उनका बयानिया है उसको साथ लेकर नहीं चलते लेकिन इसकी वजह यह है कि वो वो जो वहां पे हालात देखते हैं उस पर उसके, उसके मुताबिक कंप्रोमाइज कर लेते हैं चले पाकिस्तान का भला हो जाए लेकिन जब खेल उनके हाथ से निकल जाता है और तो उनको फिर उठा के बाहर फेंक दिया जाता है तो इसलिए फिर हम देखते हैं कि वो रिपीट उनका बयानिया होता है इस दफा वो फिर से एक आ रहे हैं सामने खुल के आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि बहुत जल्द ये जो हुकूमत है इससे छुटकारा पाने की कोशिशें भी कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ हल्का है कुछ मखसूस एक उनका क्या लीजिए कि ग्रुप है इस्टेब्लिशमेंट का जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ रबते में है और हो सकता है कि हमें जो नया साल तलु होगा उससे पहले ही तब्दीली नजर आए अगर तो ये कामयाब जल से हो जाते हैं मरियम नवाज के आपने कहा कि अगर मरीम नवाज के कामयाब जलसे हो जाते हैं तो हो सकता है कि नए साल से पहले ये तब्दीली पाकिस्तान की आवाम देख सके। मगर इस तरह की तब्दीलियाँ पहले भी बहुत आ चुकी यानी चेहरे बदलने की तब्दीलियाँ और इसके साथ साथ हम इस सारी सूरत हाल को भी पेश नज़र रखें कि आफ्टर ऑल ये तब्ली क्या किसी डेमोक्रेटिक तरीके से आएगी अगर आएगी या फिर वही इस्टेबलिशमेंट की मेनोवरिंग होगी चूंकि मियाँ साहब का जो लहजा अब एकदम से सामने आया है आ, इस सारी सूरत हाल में उसके पीछे मुझे, मुझे मुख्तार हुसैन खरल का एक शेर याद आता है तेरे लहजे में जो अब रद्दो बदल लगता है इसके पीछे कोई सरगर्म अमल लगता है तो ये बात तो पक्की है कि पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट के अंदर बहुत सारी रेफ्ट हमेशा से रही हैं और इस बार और इन दिनों सबसे ज़्यादा रेफ्ट हैं तो मियाँ साहब इस्टेबलिशमेंट की जिस भी आ, यानी ग्रो या धड़े की मेहरबानी से फिर आएंगे तो तब्दीली किस तरह आएगी मैं मुख्तसरा ये जानना चाहता हूँ आपकी राय कि आफ्टर ऑल ये सरकार एक तरह से निकल जाएगी खुद ही रिजाइन दे देगी दे इस्तीफा दे, दे देंगे सारे एमएएनएस तो क्या आपको नजर आता है देखिए अपना आप के जब 47 में तब्दीली आई तो हमने कहा हमें आजादी मिल गई अंग्रेज से लेकिन आप देखिए कि 50 आप देखिए कि 1956 तक पाकिस्तान में अंग्रेज की हुकूमनी रही तो यही एस्टेब्लिशमेंट अभी भी जब मियां साहब आएंगे तो जो एक एस्टेब्लिशमेंट का तबका है उसके बगैर पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत नहीं चलती ना चल पाती है तो ये अगर हम सोचें कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर इस मुल्क में काम होगा तो ये नामुमकिन है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और अगर ये समझते हैं कि हम इनकलाब आ जाएगा तो बिल्कुल गलत है ये जो हमारा रीजन है खिता है आप यूके बैठे हैं आप उससे बेहतर जानते हैं कि डोरियां कहाँ से हिलती हैं सियासत कहाँ से होती है देखिए आपने कहा कि डोियाँ कहाँ से हिलती हैं सियासत कहाँ से होती है इस पर भी मैं आपसे बातचीत करूँगा मगर आपने अपनी इस राय में मेरी 1947 का जिक्र करके दुखती रग को छेड़ा आपने कहा कि हमने आज़ादी मांगी थी यानी हमारे बुज़ुर्गों ने अंग्रेज़ से तो वो आज़ादी कोई पाकिस्तान के लिए तो नहीं मांगी थी वो तो भारत के लिए मांगी थी वो अलग बात है कि अंग्रेज़ जाते जाते बंटवारा करके उस रीजन में एक और मसला डाल गया तो क्या ये बंटवारा इस्टेबलिशमेंट भी अब करेगी <laughs> देखें अभी तो 16 दिसंबर आने वाला है तो आप देखिए कि 16 दिसंबर जब हुआ तो किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क का बंटवारा किया उनको अपनी पावर की फिक्र थी लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का नहीं सोचा लेकिन अब की बात जो हालात मुख्तलिफ हैं तो ऐसा ऐसा नहीं लगता कि बंटवारा और तरफ से हो लेकिन जो बंटवारा है हुकूमत का वो होगा क्योंकि इमरान खान को देख लिया उन्होंने भी वो चल नहीं पाए आप देखिए के के आप हिंदुस्तान के साथ नवाशिफ है बाद में ये फोन करते हैं तो कहते हैं वो मोदी जी मेरा फोन नहीं उठाते तो आप ये देखिए जब जब वो पहली दफा आए मोदी जी पावर में तो उन्होंने कश्मीर के साथ वो सलूक नहीं किया जो अभी उनको करना पड़ गया अब वो अब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत है नहीं कोई हमारे से बातचीत नहीं करते तो उन्होंने कहा चले मुझे अपनी जो पॉलिसी थी इलेक्शंस के हवाले से उसको मैं रिपीट कर लूँ तो उन्होंने वैसा किया तो मतलब ये कि कोई भी चीज़ इमरान खान साहब संभाल नहीं पा रहे चाहे वो रिलेशनशिप हो पड़ोसियों के साथ चाहे वो पब्लिक के साथ हो चाहे वो मीडिया के साथ हो चाहे वो इस्टबलिशमेंट के साथ इवन के इस्टैब्लिशमेंट भी हमारी इतलात के मुताबिक हमारे सोर्सेज के मुताबिक नाराज़ है इमरान खान साहब आपने कहा कि इस्टबलिशमेंट भी नाराज़ है इमरान खान के साथ और हमें ये भी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ही लाई थी इनको और या अगर पूरी इस्टेब्लिशमेंट ना कहें तो इस्टबलिशमेंट के कुछ हिस्से इनको लाए थे लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आ रही है सजात साहब वो ये है कि वो हिस्से भी इमरान खान के डिलीवर ना कर सकने की वजह से अपसेट हैं चूँकि उनका ख्याल था कि ये चंदा प्राइम मिनिस्टर अरबों डॉलर ले आएगा और इनका भी एक दावा था कि मैं 200 बिलियन डॉलर ले आऊँगा ये अब तक तो 200 मिलियन डॉलर भी नहीं ला सके और उनको मैथमेटिक्स भी नहीं आता तो इस सारी सूरत हाल में मेरा ज़्यादा ज़ोर नवाज़ शरीफ की धुआंधार तकरीरों पर है अभी कल ही उन्होंने ट्वीट भी की है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि कायद अजम मोहम्मदी जना ने ये नहीं चाहा था कि आर्मी की सुप्रमेसी रहे और वो चाहते थे कि आर्मी एकाउंटेबल रहे तो मैं बार बार आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जबकि मैं और आप जानते हैं कि नवाज शरीफ के पीछे भी आर्मी के कुछ धड़े हैं तो फिर उनके इस बयानबाजी का आपको कोई फायदा नजर आता है या कोई चेंज नजर आती है देखिए जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो गर्मा गर्मी तो होती है एक कहता है कि मैं ये कर दूंगा उसको दिखाने के लिए लेकिन दूसरा समझ रहा होता है कि ये ऐसा मेरे साथ नहीं करेगा ये सिर्फ मुझसे कुछ बातें मनवाना जा रहा है तो एस्टेब्लिशमेंट के एक ग्रोथ जो है एक हल्का जो है वो मान रहा है नवाशिद की बात तो अब आप देखिए कि मरियम नवाज जलसे कर रही है उनको परमिशन मिल गई है तो वो वो किस तरह से हो रहे हैं वो उनकी इजाजत के साथ हो रहे हैं आपने कहा कि मरियम नवाज जो अब जलसे शुरू कर चुकी हैं वो को परमिशन मिल चुकी है और आपने दो भाइयों का तस्करा किया तो मुझे सजा से ऐसा हरगज नज़र नहीं आता कि यह नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ का मामला ये नवाज़ शरीफ और आर्मी का मामला है उनका भाइयों वाला रिलेशनशिप अब मुमकिन नहीं है नाइन्टी थ्री से मुमकिन नहीं है सिर्फ पहली जब सरकार बनी थी तो तब हमें नज़र आता था कि ये भाई हैं एक ही पेज पर हैं नाइन्टी थ्री से नवाज़ शरीफ और आर्मी की आपस में नहीं बनी तो मैं बार बार इस सवाल को उठा रहा हूँ कि अगर 93 से अब तक इनकी इन्फेक्ट नहीं बनी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए मेरी कल ही बुशरा गौहर साहिबाफरा सब खटक और जनाब फ़रतुल्ल बाबर साहब से इंटरेक्शन हो रहा था तो उन्होंने भी ये बात की कि ये हमें समझ नहीं आ रही नवाजशरीफ का नया बयानिया जो है वो तो ठीक लगता है मगर होगा कैसे मेरा ज़ोर इस बात पर है आप कह रहे हैं अमल कैसे होगा जी तो अब आप ये देखिए ना कि अब जलसे शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद ये अपना बयानिया पब्लिक में रिपीट करेंगे और धड़ले के साथ करेंगे जिसमें हो सकता है कि ये भी सोर्सेस कह रहे हैं कि बकायदा के नवाज शरीफ वीडियो लिंक से उन जलसों के साथ खिताब भी करें ऐसा भी ये पॉसिबल नजर आ रहा है और सोर्सेस भी ये कह रहे हैं लेकिन ये है कि जब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आते खुद तो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि को गिरा दिया जाए या कि जो उनका बयानिया है उस पर अमल कर दिया जाए क्योंकि वो स्टैबलिशमेंट देख रही है कि अगर तो इनके अंदर दम है जो ये ट्वीट करते हैं जो ये बयान देते हैं जो मीटिंग से खिताब करते हैं कि आए पाकिस्तान में ये सामना करें और वहां पे जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो आप खुद बताइए कि मरीम नवाज उनके वो सिर्फ बयान दे सकती हैं, अच्छी अच्छी बातें कर सकती हैं पब्लिक को भड़का सकती हैं और उनकी ओपिनियन को हुकूमत के खिलाफ उनको करने का हुनर आता है, लेकिन पहल जो नवाज शरीफ ने करनी है ये फर्ज कर लिया कि वो चले जाएंगे इससे पहले इससे ज्यादा सख्त सूरत हाल का सामना था उन्हें जलावतनी तक थी वो सख्त मुकदमा थे अब भी वो जब पाकिस्तान जाएंगे तो कोर्स स्टेक होल्डर्स जो हैं इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स उनकी इशोरेंस से जाएंगे वो चले गए हकूमत कैसे बदले कि आपको क्या सूरत नजर आती है क्या इलेक्शन अर्ली उनका इनका होगा या क्या क्या सेटअप आपको नज़र आता है देखिए हो सकता है कि ये अपने इस्तीफे दें को और फिर ये मुतालबा भी करें कि आप नए इंत करवाएं और इस दौरान ये भी कहा जा सकता है कि आप दोबारा से तरीके अदम एतम लिया ये वजी अजम इमरान खान के खिलाफ तो ये भी एक सिचुएशन है और ये भी हो सकता है कि सिर्फ मुस्तरद हो जाए चेहरा इमरान खान का हुकूमत यही रहे तो लेकिन उसका भी ये बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब चले जाते हैं और कोई वजे अजम आ जाए लेकिन आपकी बात का वही फिर कि तब्दीली तो नहीं आई तब्दीली कैसे आएगी तब्दीली उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक नए नहीं, नहीं होते और जो है उसको उनकी इंतजो तक महदूद नहीं कर दिया जाता नवाज शरीफ साहब खुद पाकिस्तान नहीं आ जाते उस वक्त तक तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि पब्लिक जो है वो इंतजार कर रही है नवाज शरीफ का देखिये पब्लिक तो वहाँ इंतजार कर रही है जो उनके चाहने वाले हैं मैं ये कहूँगा वो तो चलिए इंतजार कर रही है और मैं शायद इसमें यह भी इजाफा करूँगा कि उनको भी पता है कि इंतज़ार कोई ख़ास मान ही नहीं रखता जब मियाँ साहब ने आना होगा तो वो आ ही जाएंगे फ्रैंकली तो इस सारी सूरत हाल में जो आपने बयान की एक सिचुएशन वो ये कि या तो एम एन एज इस्तीफ़ा देते हैं या नवाज़ शरीफ जाते हैं और नया इलेक्शन वहाँ पर कॉल इन होता है लेकिन जो बहुत ही बड़ी गंभीरता है वो ये भी सुनने में आ रही है कि खुद इमरान खान एग्जिट स्ट्रेटजी चाह रहे हैं ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि इमरान खान को फॉर द टाइम बीइंग निकाल दिया जाए हकूमत की सरबराही से और फिर इमरान खान को दोबारा से तैयार करके को दो चार पाँच साल बाद एक हवे के तौर पर रखा जाए नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये सूर्त हल आपको नज़र आती है बिल्कुल आपने एक... बहुत अच्छी बात कही आप देखिए कि ये बात है गुजरे हुए कल की कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने وزیراعظم इमरान खान को नोटिस भिजवाया कि आप किस हैसियत में وزیراعظم होकर भी पीटीआई की जो तकरीब है उसे खिताब करते हैं सरकारी इमारत में बैठ के तो वो नोटिस चला गया अब हो सकता है कि इमरान खान साहब पे एक मुकदमा कायम हो जाए उनके हल्क से दुर्व्यवहार करने का कि आप

वो होता रहता उस आई वॉश में हमने साल हा साल से देखा कि जो महब वतन होते थे वो गदार बन जाते थे जो गदार होते थे दो चार साल के लिए वो फिर मुहब वतन बन जाते थे और ये बिल्ली चूहे का खेल चलता रहता था मेरे व्यूअर्स और आपके भी व्यूअर्स और जनता ये जानना चाहती है कि हकीकी तब्दीली वाकई कोई इम्कान है या नहीं है चूंकि आप वहाँ पर दे रहा अरे वाला, हकीकी के लिए महात्मा ने अपनी जान दे दी तीन गोलियां खाली जिनाजी चले गए पंडित नेहरू उससे पहले कितने चले गए और गदारी का इल्जाम तो आपके बादशाह मुगल बादशाह पे लगा बहादुर शाह जफर पे उनको लोग वापस लेकर नहीं आए की उनकी मट्टी में दफना दिया जाए वो आज भी गैर मुल्क में रह रहे हैं उधर ही उनकी कवर है तो हकीकी तब्दीली कैसे आएगी पाकिस्तान में देखिए कि पाकिस्तान में ने अपने हा, अपने में रखा हुआ है हर चीज को हर इदारे को वो नहीं आने देगी हकीकी तब्दीली वो चाहती है कि सिर्फ जो हम कहें उस पर अमल किया जाए और जो उसके खिलाफ चलेगा वो उसको उठा के बंद कर देंगे गद्दार कहेंगे काफिर कहेंगे वो आपको भेज दे, या आपको मार देंगे

चलिए इस नई सूरत हाल में जो नवाज शरीफ क्रिएट कर रहे हैं बाकी है, कितना साथ देती नजर आती हैं आपको आ, ये भी आ, आपका एक अच्छा सवाल है लेकिन आपने जो बताया जवाब दिया कि बिल्ली चोरी का खेल पाकिस्तान में जाहिर रहता है अब अच्छी बात है कि हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो लेकिन तब जो पार्टी हैं वो अपनी अपनी बेहतरी के लिए रोल प्ले कर रही हैं। वो ना मुल्क के लिए इकटी है अपोजिशन उपोज, की मैं बात कर रहा हूं और ना वो इकट्ठी है इस बात पे कि हम मिलकर इमरान खान के खिलाफ तहरीक चलाएं जिस दिन जिस पार्टी को ऑफर हो गई आप देखिएगा कि किस तरह से ये सब एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हुए नजर आएंगे आप देखिए मोलाना फजल रहमान चले गए धरना देने के लिए किसने उनका साथ दिया हालांकि उस वक्त अगर साथ देते तो हकीकी तब्दीली आ जाती क्योंकि मौलाना जो बातें वहां कर रहे थे और जो उनके साथ फोर्स गई थी हम बेशक उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं कि एक उनका मजबीत माइंड सेट है हम सेकुलर लोग हैं लेकिन आप अभी देखिए मौलाना जिस जमहूरीत की बात करते हैं हम हम तो उनकी उस जमहूरियत की वजह से उनके साथ थे अगर ये लोग साथ देते तो हकीकी तब्दीली आ जाती इमरान खान को जाना पड़ता और इस्टेब्लिशमेंट का भी कोई रोल ना होता क्योंकि मौलाना

वो रहे हैं पाकिस्तान के तीन बार वजीर आजम क्यों नहीं आगे आते वो क्यों नहीं लेकर आते क्या आपको इम्कान नजर आता है कि मौलाना रहमान साथ देंगे प्रैक्टिकली मौलाना साहब के साथ धोखा हो सकता है लेकिन वो धोखा नहीं देंगे ठीक है आप कहते हैं वो धोखा नहीं देंगे दूसरी बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस मोड पर आपको नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ कॉल लुकिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट्स पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने पहले भी नवाज शरीफ का साथ दिया था नवाज शरीफ साहब ने ही उनका साथ छोड़ा जब जदारी साहब ने बयान दिया कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे उसके बाद नवाज शरीफ वजे आजम थे तो जदारी साहब ने कॉल की मैं मिलना चाहता हूँ हालांकि नवाज शरीफ सपोर्ट करते वो पावर में थे वो वजी आजम थे लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया यही बात है कि वो पावर में होते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं तो फिर जदारी साहब खिलाफ हो गए उनके तो अब बड़ी मुश्किल से जमातें इकट्ठी हुई हैं देखिए ना हम चाहते हैं बुरा एस्टेब्लिशमेंट का ना किसी और हम आप भी ये बैठ के बातें कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान में कोई सियासी जमात हकीकी तब्दीली के साथ आएगी तो उसका फायदा पड़ोसियों को होगा पाकिस्तान के लोगों को होगा और सबसे बड़ी बात के फायदा खुद ये इस मुल्क के मुफाद में होगा लेकिन ऐसा होता मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा आप भी इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ का जो माजी का तजर्बा है आवाम को कि बातें तो उनकी होती हैं जब वो मुल्क से बाहर होते हैं लेकिन अमली तौर पर वो उन पर अमल नहीं करते जब वो इकतदार में आते हैं उनका बिल्कुल मुख्तल एटीट्यूड हो जाता है और यही खदशा आपको अब भी नजर आ रहा है तो इस और जी जी मैं जानना चाहता हूं कि वो उसकी फिर क्या इसका मदावा क्या होगा मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं मैं पाकिस्तान के बहुत बड़े अखबार बल्कि आप कह लीजिए मैं उसका क्राइम एडिटर रहा हूं वो वो अखबार जिसने हमेशा नवाज शरीफ के हवाले से रास्ते बनाए मना कर दिया था कि किया था केवान नवाज शरीफ की तस्वीर तक नहीं लगेगी नाम तक नहीं आएगा नवाज शरीफ के नाम के साथ ता हयात ना अहल लिखा गया तो आप देख लीजिए कि तब्दीली कहां कहां से आई कौन कौन करता है फोन ये काम करें ये खबर लगाएं ये ना लगाएं ये बात करें ये बात ना करें तो आप ये देखिए आपको भी पता है इस चीज का हमें भी पता है कि हम हम भी फोन सुनते हैं कि आप ये बात ना करें आप इस तरह ना बोले हम तो उनकी बात नहीं मानते हम पाकिस्तान में बैठ के ही बातें करते हैं क्योंकि हमारे आयन ने हमें, हमें हक दिया हुआ है इसका तो यही बात कि नवाज शरीफ को भी पता है अच्छे से कि जो भी बात मैं कर रहा हूं उसका इनको हिसाब चुकताना पड़ेगा लेकिन क्योंकि वो चाहते हैं कि अब इन्होंने मेरे साथ सलूक बहुत बुरा किया मैं जेल में रहा मेरी वाइफ की डेथ हो गई इन्होंने मुझे तीसरी दफा निकाला अब जो उनका गुस्सा है वो निकाल रहे हैं बाहर और उनको पता है कि मैंने क्योंकि नवाज शरीफ की आप सियासत देखी जब अपोजिशन में होते है तो ये गुस्सा खूब करते हैं तो आगे जो स्टैब्लिशमेंट होती है तो वो फिर इनको मनाती है अभी भी ये 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 हैं इनको मना लिया जाए और और आकर काम करें और ये जब आएंगे पावर में तो ये मिलकर काम करेंगे जब ये आएंगे तो आपको नजर आ रहा है कि ये मिलकर काम करेंगे। अगर ऐसी हाल बनती है तो बाकी सियासी जमातों का क्या मौकफ होता है क्या वो भी बैकडोर के हवाले से अपने तल्लक मजीद मजबूत नहीं करेंगे या रिपेयर नहीं करेंगे बिल्कुल करेंगे और ये सब इकट्ठे होंगे और क्योंकि इनको पता है कि जिस तरह पहले दो जमातें थी पीपल्स पार्टी और नून लीग एक गई थी एक आ गई है उनको पता है कि ये ये लोग जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट ये तीसरा बंदा भी निकाल सकते हैं जिस तरह आपको पता है कि अब जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर जो चांद होता है ईद का पिशावर से निकल आता है तो आजकल इनको ही पता है कि जिस तरह इन्होंने एक वजी निकाला पिशावर से तो इस तरह ये फिर निकाल सकते हैं अब शायद अफीदी के आप बयानات देख लीजिए कि मैं इमरान खान से अच्छा وزیراعظم साबित होऊंगा अगर मुझे बना दिया जाता है तो तो आप ये देखिए ना तो इनको डर होगा इस बात का कि बजाय कि इनसे हम लड़ें हमारे हाँ, ये कुछ مطالبات माने और कुछ हम अपनी मनवा लें और फिर मिलकर अपने अपने कारोबार चलाए जाएं तो मकसद यही है कि बिल्ली चूहे का खेल इसी तरह चलता रहेगा जब तक चल सका ये ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें नुकता है आखिर में हमें दो चार आ, एंगल्स के हवाले से ये बताइए कि नवाज शरीफ की स्ट्रगल को छोड़िए अपोजिशन की जो आ, दूसरी पार्टी उनकी स्ट्रगल को छोड़िए इमरान खान की सियासत का फ्यूचर आपको क्या नजर आता है देखिए आपने सवाल किया कि उनका जो फ्यूचर है इमरान खान का एक तो वो जुड़ गया है सुप्रीम कोर्ट के एक मामले से जिसमें उनको नोटिस दिया है कि आप जवाब दें ये और दिया भी किस कि नोटिस कि जस्टिस काजी फायद इस जिनके खिलाफ खुद हुकूमत ने चार्जशीट भेजी हुई है तो अब आप ये देखिए कि अगर वो उनको बुला लेते हैं और उनको सजा दी जाती है बजाय चाहे कि एक मिनट की हो तो वो उसका मतलब है उनको सजा होगी वो ऑटोमेटिकली उतर गए हुकूमत से तो ये भी एक है कि स्प्रिंग कोर्ट से जुड़ा है दूसरा कि जो सलूक इन्होंने किया अपोजिशन जमातों के साथ पाकिस्तान ने अब आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट उन जमातों की तरफ देखती है उन लीडरों की तरफ देखती है जो के उनको आंखें दिखाए बिल्कुल जो उनको आंखें दिखाए वो उनको सर आंखों पे बिठाने के लिए खुद को मुतवजे कर लेती है यही वजह है आप देख लीजिए कि मरियम नवाज को गिरफ्तार नहीं किया जा आप जाइए शिरकत कीजिए और ये भी हो सकता है वीडियो से खिताब भी कर दें तो ये सब कुछ स्टेबलिशमेंट के इशारे पे हो रहा है और इस दौरान इमरान खान का जो फ्यूचर है ये बहुत खतरनाक खत्र जाएगा और जो आज अपोजिशन का हाल है लेकिन क्योंकि बाकी जो जमातें हैं अपोजिशन की नवाज शरीफ हो गए जद्दारी हो गए मौलाना मौलाना की तो आप देखिए कि शायद वो इमरान खान के साथ बहुत बुरा सलूक करें अगर मौलाना पावर में आ जाए लेकिन बाकियों के दिल बड़े हैं वो हो सकता है कि उनके साथ वो सलूक ना करें लेकिन फिर भी इमरान खान का जो फ्यूचर है जो उन्होंने किया बहुत बताती है कि ये इशारे बता बता रहे हैं कि उनका फ्यूचर अच्छा नहीं है वो हो सकता है हो सकता है कि वो अपनी बाकी जिंदगी लंदन में जाके अपने बच्चों के साथ गुजारें आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी और मेरी इस गुफ्तु में आप समझते हैं कि कोई अहम नुकता मिस हो रहा है और आप शामिल गुफ्तु करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए देखिए आपने ये मेरे तरफ एक तीर छोड़ाया तो आपने एक बात की थी कि जब तक ये जब तक ये चल सका तो ये लोग अपना सिस्टम चलाएंगे देखिए मेरे मुंह में खाक आप देखिए सोलह दिसंबर फिर से आने वाला है आप ये कहिए कि जब तक मेरे मुंह में खाक कि जब तक ये मुल्क चल सका इन लोग देखिए कोई भी हो आप मुल्क की तो परवाह कीजिए ना आपने लड़ाई झगड़े में स्टेब्लिशमेंट ने कि किस तरह से उनको शेख मुजीब रहमान का क्या कसूर था उनको उन्होंने गद्दार बना दिया और ये गद्दार बनाने की तरफ लेके चल चल रहे हैं कि नवाशी साथ क्या क्या? उन्होंने नवाज शरीफ भी ऐसी गलती करें लेकिन नवाज शरीफ ऐसी गलती भी नहीं करेंगे बहुत शुक्रिया सजाद पीरजादा साहब आपने तफसील पाकिस्तान के जो इस वक्त के सियासी हालात हैं उस पर रोशनी डाली हम आपसे गाहे बगाहे बातचीत करते रहेंगे बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का बातचीत हम सुन रहे थे यूके टो में पाकिस्तान के सहाफ़ी जनाब सजाद पीरजादा साहब की और इसके साथ साथ आपने मेरी कमेंट्री भी मुलाजा फरमाई अब आने वाले दिनों महीनों में अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या रुख अख्तियार करती है आज का यू के टॉक शो ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया टेक टीवी यू के टॉक शो लंदन डायलॉग एंड डिस्कोर्स, एवरी ट्यूजडे नाइट सेवन पी एम यू के टाइम Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.